नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं नवभारतटाइम्स.com पर। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं मल्टी टैलेंटेड मकरंद देशपांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारतटाइम्स.com पर। और पहला सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप फिल्मों से इतनी दूरी क्यों बनाते रहते हैं? थिएटर की वजह से, थिएटर में ज्यादा समय देता हूँ इसलिए। अब देखो, समय तो उतना ही है, 24 घंटे कहाँ देने, आप निर्णय लेने। और मैंने निर्णय ले लिया बहुत पहले, थिएटर के साथ ज्यादा समय देता हूँ। आपके जो साथी हैं, मैं उनसे जब बात करता हूँ जो थिएटर और फिल्म दोनों करते हैं, तो उनका कहना है कि थिएटर में पैसे कम मिलते हैं इसलिए हम फिल्मों में पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद अपनी इच्छा वहां पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपके साथ एकदम उल्टा है, जिसको जो चाहिए वो उसे मिलता है। मुझे रंगमंच पे, स्टेज पे ज्यादा समय बिताना है और पैसे, मुझे लगता है कि पैसे आ जाएंगे। और पैसे अगर मेरे पास हो और रंगमंच ना, तो फिर मैं करूंगा। मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज की बात है। मुझे लगता है फिल्म से पहले मैं आपके रंगमंच की बात करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लगभग आधे दर्जन प्लेज अभी दिनों मुंबई में चल रहे हैं, उनके आप काम कर रहे हैं, बार बार वो दिखा रहे हैं। थोड़ा सा बता दें जो लोग प्ले देखते हैं उनके लिए ये। मुझे लगता है कि अगर ना भी गिनने जाए तो सरसर सरला पिछले 17 साल से चली रहा है। इसको ओरिजिनल कास्टिंग में बैठे हुआ करते थे अनुराग कश्यप, सोनाली कुलकर्णी, राजेंद्र गुप्ता जी, अभिमन्यु सिंह। अब नई कास्ट है ये, क्योंकि वो लोग अब प्रोफेसर हो गए, सब डायरेक्टर हो गए, तो वो चली रहा है। या फिर मिस ब्यूटीफुल है, अभी पत्नी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पर बहुत बड़े हिंदुस्तान के स्टार स्टार प्लेयर है नीला कुमार, वो और मैं ऐसा एक जुगलबंदी नुमा एक नाटक किया जाता है, वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और फिर रूप भगवान सिंह का है करोड़ों में, या जो से कई नाटक अभी भी चल रहे हैं और कई बहुत अच्छे एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, कई अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स, लाइट डिजाइनर। एक तकरीबन ऐसे रूप में आज आप किसी भी समय 30-40 लोग काम करते हैं। आप लिखते भी हैं, आप नाटक थिएटर सब प्रोड्यूस भी करते हैं, वो डायरेक्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिल्मों पर भी काम करते हैं। थिएटर के अलावा पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आपका थिएटर पहला प्यार है, उसके बाद जो दूसरा प्यार है आपका वो क्या है? वो क्या है? हाँ, लिखना या और भी जो मल्टी चीजें, बहुत सारी चीजें आप। मुझे लगता है जीने का मुझे बड़ा शौक है और जब जीते हैं तो आप लिखते हैं। मुझे लगता है जीने, लिखने का खुराक लाइफ है, और अगर आप जी लो, मुझे समय अपने पास रखना बड़ा पसंद है, तो इसलिए भी हो सकता है मैंने फिल्में कम की, क्योंकि वो ज्यादा समय ले लेते हैं, तो समय नहीं बचता। पर मैंने, अगर आप मुझसे कहो क्या अच्छा लगता है, तो लिखना खास करके ना। मतलब आप बहुत सारी लैंग्वेज में भी फिल्में करते हैं, डब कर देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपने बहुत, मैं देखता हूँ आपकी कन्नड़ में आपकी प्रोफाइल देखता हूँ, वहां पर आप मलयाली या तमिल, तेलुगु फिल्में, हिंदी करते हैं, मराठी में भी करते हैं, तो किस तरीके से इस समय को आप वहां बांटते हैं और फिल्मों का चुनाव कैसे करते हैं कि कितनी लंबी फिल्म होगी, कितना बड़ा रोल होगा, क्या बातचीत? जी नहीं, चुनाव से वही होता है कि इसके बीच में नाटक तो नहीं कर रहा हूँ, और तभी जो टाइमिंग होता है, जो फिल्म मुझे टाइमिंग के लिए बराबर आती मेरे बीच बैठती, वो फिल्म कर लेता हूँ। और जब जितनी जरूरत होती है पैसों की, अगर वो फिल्म दे रही है तो मैं हाँ बोल देता हूँ। आप नाटक से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? बिल्कुल नहीं, नाटक कॉम्प्रोमाइज करता, और उसका कारण ये है कि प्यार जो है वहां कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा। और फिल्में हमेशा से मुझे ऐसा लगा कि वो जादुई दुनिया है ऐसी कि जहां पर आप वो मंत्र पढ़ दो, आपको वहां से शोहरत है, वो पैसा है। बीच में कुछ फिल्में भी आपने बनाई, दो तीन फिल्में आपने बनाई, सोना इस्पा, शाहरुख गोला खूबसूरत, लेकिन फिर फिल्में बनाना भी आपने बंद कर दी। फिल्म बनाने में बहुत पैसा लगता है और वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, तो अगली पर बात कर सकते हो। और मेरे पास अब ऐसी होती है कोई उसका उतना कारण नहीं है फिल्म बनाने का। मुझे ऐसा लगता है फिल्म बनाने का कोई कारण होना चाहिए। वो कारण हो सकता है बेशक आपके पास कोई कहानी हो वो करनी हो, या हो सकता है कोई स्टार है जिसके साथ आपको काम करना है, या कोई एक्टर है जिसके साथ आपको काम करना है। तो मेरे पास अपनी ऐसी कोई आज जरूरत नहीं है, इसलिए मैं। फेसबुक पर बहुत सारे लोग इस समय हम लोग को देख रहे हैं और अब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब हम बात करेंगे आपकी फिल्म की, हनुमान द दमदार, ये फिल्म है, लेकिन इसमें जो किरदार है
वो पहले कभी रामायण या हनुमान में खुलकर सामने नहीं आया, ये जो आपका किरदार है। तो सबसे पहले अपने किरदार के बारे में बताइए कि जब आपके पास ये कहानी आई थी तो किस तरह का आकार बनाया था, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था इसको जीने के लिए पर्दे पर या अपनी आवाज को जीने के लिए, तो किस तरीके से इसकी रूपरेखा आपने बनाई, किस तरह की मेहनत की? मेहनत की बस रूपरेखा मैंने बनाई नहीं, वो डायरेक्टर ने बनाई, कारण कि ये सच बात आपने कही कि आकार नहीं था। कारण अगर आप भीष्म कह लें या रामायण में आप वाल्मीकि जी कह लें तो आपको पता है कि आप क्या रूप दे सकते हैं। किसी चित्रकार ने कहीं तो उसका आकार बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, लेकिन विश्रव का किरदार करवा में तपस्वी थे जो चिरंजीवी होना चाहते थे, अमरत्व का प्राप्त करना चाह रहे थे, तो अमरत्व प्राप्त करने वाला आदमी कैसा है? तो ऐसा तपस्वी जो क्रोध भी है और अमृत को हासिल करना है, तो ऐसा आदमी कैसा होगा, ऐसा ज्ञानी कैसा होगा? तो उसकी आवाज से होगा। खास करके एडमिशन फिल्मों में पहले तो एक्टर को कैरेक्टर बनाया जाता है और उससे एक चेतना लेके फिर उसके इर्द गिर्द उसके आवाज के उसके भाव से उसको सुनकर एक उसका चित्र बनाया जाता है, आकार बनाया जाता है। तो बड़ा मुश्किल काम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने कोई आवाज बदल दी, लेकिन उसको एक तो चिल्ड्रन फिल्म है, तो चिल्ड्रन फिल्म में एक आपको वो भयभीत करने वाला किरदार, विलन का किरदार भी होना चाहिए, हंसाने वाला भी और जाना चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा करके क्या कर सकते हैं। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है रुचि और मेरे बीच जो एक तालमेल रहा डबिंग के वक्त, उसमें वो किरदार जो आप जब सुनोगे तो आपको उसका मजा भी आएगा सुनने में, ऐसा कुछ किरदार हो गया है विश्रव का, जिसकी जिसका जब आकार दिया गया तो वो रूप देखकर मुझे और मजा आया और पहली बार मैं खुश हुआ अपनी आवाज से कोई जन्म। अच्छा, जब उसका रूप दिया गया सर तो आपको लगा कि इसमें मैं और कर सकता था, मेरी आवाज अगर ये रूप पहले आ जाता तो शायद मैं कुछ और चेंज कर सकता था, क्योंकि जब आप आवाज दे रहे थे तो रूप तो था नहीं, तो रूप के बाद थोड़ा किसी चीज को लेकर ऐसा लगा कि मैं और अच्छा कर सकता था। जी नहीं, मुझे लगता है कि वो बनाने वाले ने बहुत बढ़िया बना दिया है कि उसने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, मुझे ऐसा लगता है आवाज और वो बिल्कुल ही एक साथ है। और वो क्रेडिट मुझसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जिसने बनाया डायरेक्टर है उनका क्रेडिट, मेरा काम उससे बेटर हो सकता था ऐसा मुझे नहीं लगता। और आपके डायरेक्टर जी आगे जो लोग अभी अभी फेसबुक लाइव देखना शुरू कर रहे हैं, जो लोग अभी अभी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जो आपको बता दूं कि ये निर्देशिका है हनुमान दादमदार की और इन्होंने ये फिल्म बनाई है, एनिमेशन फिल्म बनाई है और हमारे साथ ये बात कर रहे हैं लगातार। तो अगला सवाल ये कि अब तो आपने एनिमेशन फिल्म कर ली, अब क्या एनिमेशन फिल्मों को लेकर किस तरह का दिमाग में आप बताओ, खुद बनाएंगे काम करेंगे या ज्यादा काम करेंगे क्या? ये है निर्देशिका, इनसे कहेंगे आप और फिल्में बनाइए, आप आवाज देते रहेंगे और क्या है। देखो अब मुझे ऐसा लगता है, एक फिल्म के लिए मुझे ऐसा लगा जो मैंने कहा था उसके दौरान भी कि एक एक्टर को हमेशा से अपने आप को रिवाइव करना, थिएटर के लिए करता ही फिल्में कर ली या टेलीविजन किया, लेकिन एनिमेशन फिल्म के लिए जब आवाज देंगे तो मुझे ऐसा पता चला कि एक खुद के भीतर एक अलग सी एक गति, एक अलग सा उसका ताल, मेरे अपने संवाद बोलने का एक तरीका और वो उसकी मासूमियत, उसका मजाक या अपन, वो सब लाने में इतना मजा आया अपने आप को देखकर कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है उसका बॉडी लैंग्वेज देख के हो सकता है मैं एनिमेशन फिल्म के लिए जन्मा ऐसा मैंने कहा और वो पूरा क्रेडिट उस दूसरे पोस्टर में लेकिन उस किरदार को जाता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर बिकॉज एनिमेशन फिल्म क्या बनाना क्या होता है और पसीना तो खैर दिखेगा भी नहीं, इसमें खून ज्यादा जला होगा और खास करके यहाँ पर लोग तो यही बोलते होंगे उसे कि क्या कर रही है, टाइम बर्बाद कर रही है अपना इतनी मेहनत करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है रुचि, ये किरदार नया है, हमने इस किरदार को अब बहुत सारे मतलब इसमें बहुत सारे नए किरदार हैं जो हमने कभी नहीं देखा होगा रामायण में, और रामायण बड़ी मॉडर्न है पिछली जितनी भी बनी है उससे एकदम,
कैरेक्टर भी, इनकी बातचीत भी बहुत बहुत मॉडर्न है। आपके पास ये खाता आया होगा एकदम खाली सा कि हनुमान की कहानी बनानी है, कि ये सब कैरेक्टर जो सर का कैरेक्टर वो आ गया था, या जो रिपोर्टर कैरेक्टर है पोपट का वो आ गया था, कहाँ ऐसे? ऐसी तो देखो मैं सच बताऊं जो लिटिल अच्छा पागलपन जरूरी है। मतलब पागलपन मस्ती फिर भी कुछ नया निकलेगा। अच्छा जब हम मैथोलॉजी पे काम करते हैं और तो उस पर थोड़ा हमें भाषा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं हनुमान के कैरेक्टर पे या राम के कैरेक्टर पे बात होगी। जब आपने भाषा पे काम किया था, जब मॉडर्न थोड़ा भाषा आप ले रही थी, इंग्लिश ले रही थी, तब आपको थोड़ा डर था कि थोड़ा बहुत सतर्क होकर काम करूँ? डर तो नहीं लगा क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जो भाषा उस वक्त होगी उसके बाद बहुत सारी रामायण या माइथोलॉजी की कहानियां बनी है और हर स्टेज पे भाषा अलग होती है। जो आपको लगता है जो लास्ट शायद 80s में बनी थी या व्हाटएवर, वो भाषा थोड़ी कोई बोलता था इनके जमाने में, इट वॉज नॉट दैट लैंग्वेज। तो हाउ डू यू नो वॉट इट वॉज बिकॉज दैट वॉज मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, एंड जो हर ईरा पे अलग अलग तरीके से जो भी, जैसे हनुमान चालीसा भी बाद में लिखी गई वो भी अलग भाषा में है, वो भी उससे ताल्लुक नहीं रखता। और हमने सिर्फ जब कहते हैं मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी, इट डजंट मीन इंग्लिश एंड इट डजंट ओनली मीन योग, मॉडर्न इज ऑल्सो साज क्या कह रहे हैं बड़े, दैट्स ऑल्सो मॉडर्न ना, वो इट्स इंडियन कंटेम्प्रेरी। सो वी मेड इट इंडियन कंटेम्प्रेरी, दैट्स हरियाणवी ऑल्सो, सौरभ्स कैरेक्टर्स गॉट हरियाणवी एक्टर्स, सो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द फ्लेवर एंड लैंग्वेज ऑफ टूडे ताकि यू कैन रीच द स्टोरी एंड मैसेज टू मैक्सिमम नंबर, so they can relate to it. Language is a means to an end, right? So it is the story, the message that's important. मैं आपको बता रहा हूँ बॉलीवुड में हर साल चर्चा होती है हम रामायण बनाएंगे, सलमान ये बनेंगे, शाहरुख ये बनेंगे, आमिर ये बनेंगे, हम महाभारत बनाएंगे। आपने सबको पीछे छोड़ दिया सर, ऐसी चर्चा होती है? आपने सबको पीछे छोड़ दिया और सलमान खान को हनुमान बना दिया, भले वो एनिमेटेड कैरेक्टर है। ये कैसे संभव हुआ, कैसे उनको अप्रोच किया, कैसे वो माने ये बताइए। मतलब आई एम स्टिल पिंचिंग माय सेल्फ कि ये सब हो गया। क्या तुमने उन्हें ये बताया कि बताऊ? मुझे लगता है उन्होंने ये बताया होगा कि मकर ने शाहरुख के साथ और आमिर के साथ तो काम कर लिया, देखो तुम्हें एक मौका है मकर के साथ काम करने का, ये तो नहीं बोला। दैट वाज द क्लिंचर। नहीं नहीं, बट इवन आई वांट टू नो, बट आई एम श्योर, आई थिंक बिकॉज शी इज सच अ चार्मर एंड शी हैज द ट्रूथ ऑन हर साइड, बिकॉज शी इसे ना बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो प्यार से बोलती है, दूसरा है सच बोलती है, और इसके पास अपना कारण भी होता है। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मकरंद या कोई सुपरस्टार है, आई थिंक देयर इज मच मोर देन दैट, शी हैज अ रीजन। तो रिएक्शन बताइए, मतलब क्या था जब आपने पहली बार, क्या बात हुई भाई? आई मीन आई थिंक व्हाट अपील्ड फ्रैंकली टू हिम वाज द वे वी वर डूइंग इट इन अ रिलेटेबल वे, the language, like, I'm, what is the damdar? What is this? So I said, no, damdar, because I think he is damdar, like, he finds his dam, and that makes him damdar. And da is because aajkal, like, you write na da, instead of writing da. So it's today's favorite. And more than anything, I love the way it sounds. सलमान खान को कुछ आपने बताया था कि मेरा जो हनुमान होगा इस तरह का होगा, ऐसी बात करेगा, या क्या कुछ टिप्स दिए थे? टिप्स मैं उनको नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो अपने किरदार के बारे में। नहीं नहीं, मैंने उनके साथ वी वेंट ओवर द सीन्स एंड द वाइब ऑफ द होल थिंग, जो हम लोग ने डायलॉग्स वगैरह लिखे थे, तो ही रियली, आई थिंक ही रियली अंडरस्टूड द वाइब एंड व्हाट वी वर गोइंग फॉर। And then of course when he did it, he brings his own things, as do all of them. I mean, of course he's a superstar and they are all big stars, but there's a reason for that stature, because they really, they get into it, they understand what they're doing, they know how
connect to people and they know how to make it fun. Like we've got all these people, if you look at the names, they are some of the wittiest, funniest people and coolest people we have. That is why we've got them. Not only because of the names. अगला सवाल ये है कि कैसे कैरेक्टर का चुनाव किया, थोड़ी सी हिंदी कोशिश करिए कि बोले क्योंकि हिंदी वाले देख रहे हैं। हाँ, क्या चुनाव कैसे किया, सर का चुनाव क्यों किया, सौरभ जी का क्यों किया, विनय पाठक का कहाँ से, मतलब कहीं देखा होगा ना यार ये मेरा पोपट है, ये मेरे विश्राम जी है, कैसे कहाँ से चुना इनको? मतलब मैं एक्चुअली फिल्म से ज्यादा मैं मकरंद के प्लेस बहुत देखती थी और देखती हूँ, आजकल कम टाइम मिलता है, मगर मैंने इनका थिएटर बहुत देखा है, तो मुझे लगा कि तो उनका जो फोर्स है ना एंड हिज बोलने का अंदाज इज वेरी लार्जर देन लाइफ, यू नो डिस्पाइट ही इज अ वेरी स्लिम गाय बट हिज पर्सोना इज वेरी बिग, एंड मैं उनसे मिलने से पहले भी वी ऑलवेज हर्ड अबाउट मकरंद देशपांडे, सो ही हैड अ वेरी बिग ऑरा, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड, नॉट बिकॉज ही इज विलेनस, विनय आई मीन ही इज जस्ट अ वेरी फनी पर्सन विच ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, मैंने उनको टीवी से देखा है जब वो डीजे होते हैं, तो वो उनका बोलने का तरीका एंड हिज फास्ट टॉकिंग वेज, तो ऑलवेज रजिस्टर्ड, जो आप देखते हैं ना व्हेन यू आर ग्रोइंग अप वो पीछे बैठ जाता है, सो यू ऑलवेज एसोसिएट पीपल इन अ सर्टेन वे, बाद में उन्होंने बहुत काम किया है, भेजा फ्राय फलाना झुमकाना, बट वो जो पहला इम्प्रेशन बैठता है ना वो हमेशा मतलब आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ फिल्म लाइक दिस व्हिच वो बचपन की याद है। सौरभ आई थिंक फॉर मी, मैंने सौरभ के साथ बहुत काम किया है, इनफैक्ट मैंने राइटिंग उनसे सीखी है एक्चुअली, तो आई फाइंड हिम लाइक एन अमेजिंग एक्टर, मेरे हिसाब से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो जब मैंने उनसे बात की केसरी की वाज आल्सो लाइक केसरी लाइक हाउ वो तो यू नो ही इज अ वॉरियर एंड एवरीथिंग, आई सेड या बट मतलब द मेन थिंग इज ही इज स्ट्रांग एंड प्राउड यू नो, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड, एंड ही गेव इट सच अ ग्रेट ट्विस्ट, एंड ही उन्होंने थोड़ा हरियाणवी ट्विस्ट भी दिया है उसमें, तो इट्स लॉट ऑफ फन। चंकी मैंने सोचा कि जैसे इस कहानी में वी गो टू लंका, हाँ, तो उस समय लंका वाज लाइक द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, लाइक टुडे यू से न्यूयॉर्क, हाँ, तो उधर बाहर से भी लोग आते होंगे जैसे टूरिस्ट होते हैं, जहाँ टूरिस्ट होते हैं वहां टूरिस्ट गाइड और हु बेटर देन चंकी टू बी अ टूरिस्ट गाइड, सो आई आस्क्ड हिम, सो देन वी ऑफ कोर्स पुट अ न्यू ट्विस्ट ऑन इट एंड एवरीथिंग, एंड ही प्लेज नाजुक टूरिस्ट गाइड। पास्ता से लिया क्या आपने? नहीं लिया, वो कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, बट द आइडिया केम फ्रॉम टूरिस्ट गाइड। अच्छा, जब सलमान खान डब कर रहे थे तो कोई ऐसी चीज थी जो आपको याद है, आपको लगता है ये बहुत शेयर करना चाहिए, सलमान को नया कुछ फ्लेवर दिया बात करते समय, आपको लगा कि आज ये तो सलमान टच, कोई ऐसी चीज हुई थी आपको जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली जब वो डब कर रहे थे आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ हिज पर्सोना, जैसे उनका कनेक्शन बच्चों से बहुत स्ट्रांग है, आई थिंक he understood ke the most important thing about Hanuman, even as the big strong Hanuman, is innocence, to even jab unhone puri jo bhi lines wo bolte hain wo bahut innocence se bolte hain, like there's no hidden agenda, jo hai so hai, so wo fearlessness in saying anything I think comes
प्रॉमिस करवा लिया अगली फिल्म माफी करेंगे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पता नहीं सर आपकी किरदार की एक झलक जो हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो जरूर देखना चाहेंगे आपकी किरदार की एक झलक वॉइस के साथ। हम से ना ले पाऊंगा, हम खड़ देंगे तुम्हें। सुपर सुपर सुपर। आने वाले दिनों में अंतिम सवाल है आपसे, आने वाले दिनों में किन किन फिल्मों में क्या कोई तैयारी चल रही है, कुछ लिख रहे हैं आप, क्या चल रहा है? ये लिखेंगे, ये लिख करेंगे। अरे बोले नहीं यार, बस करूंगा जो क्या चल रहे हैं। धीरे धीरे आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। सचमुच आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक है। बिल्कुल आपने ट्रेलर डाला और मैंने तुरंत देखा था, मुझे बहुत यूनिक लगा था। थैंक यू सर।